Hello friends, I am Amitabh Rajput, welcomes you in Ayushman classes. In this lecture, I am going to discuss some questions related to general aptitude, that is the part of CSIR-NET exam. In this series, I have uploaded three lectures. This is our fourth lecture. So I am starting my this fourth lecture. And in this lecture, it is based on number series. Numbers pe ye ko hamara jo lecture hai, wo best hai. CSIR के प्रीवियस ईयर्स के केमिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज के कुछ क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है और उसके सॉल्यूशंस को हम लोग देखेंगे इस क्लासेस में. आइए देखते हैं. एवरी टाइम अ बॉल फॉल्स टू ग्राउंड इट बाउंसेस बैक टू हाफ द हाइट इट फेल फ्रॉम. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1024 सेंटीमीटर 1024 सेंटीमीटर द मैक्सिमम हाइट from the ground to which it can rise after the 10th bounces. After the 10th bounce is what? First option 102.4 centimeter, 1.24 centimeter. Third option is 1 centimeter and fourth option is 2 centimeter. ये question CSIR-NET December 2013 में पूछा गया है. ठीक है, आइए इसका हम solution देखते हैं. तो इस question में ये बताया गया है कि अगर एक ball को जो नीचे गिराया जाए तो नीचे गिरने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरे सेम हाइट तक तो वापस आएगा नहीं, कुछ कम हाइट तक जाएगा. तो इन्होंने कहा कि जब ये नीचे जाता है तो इट बाउंस बैक टू हाफ द हाइट इट फेल फ्रॉम. मीन्स अगर 10 मीटर की ऊंचाई से अगर इसको गिराया जाए तो 5 मीटर तक ऊपर आता है. ठीक है, तो आफ्टर द फर्स्ट जब उन्हें फर्स्ट बार इसको फेंका तो ये कितनी ऊंचाई तक ऊपर आएगा. ये आएगा 1/2 इंटू 1024. ये फर्स्ट, जब उन्होंने फर्स्ट बार बॉल को फेंका तो फर्स्ट बार के बाद कितने हाइट तक आएगा, 1/2 इंटू 1024, क्योंकि 1024 हाइट से इसको फेंका गया. ठीक है, सेकेंड टाइम के बाद कितने बार फिर से इसका आधा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1024 दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वेयर, 1/2 का स्क्वायर इनटू 1024 हाइट तक ही ऊपर आएगा. इसी तरीके से कहा जा रहा है कि अगर मान लिया थर्ड बाउंस के बाद देखें, अगर थर्ड बाउंस के बाद फिर से इसका हाफ 1/2 इनटू 1/2 का स्क्वायर इनटू 1024 मींस 1/2 का क्यूब इनटू 1024 हाइट तक ही आएगा. तो ऐसे पूछा जा रहा है कि द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड टू व्हिच इट कैन राइज आफ्टर द 10th बाउंस. 10th बाउंस के बाद अगर ये क्रम चलता रहे तो 10th बाउंस के बाद ये कितने ऊपर तक आएगा. अब देखो फर्स्ट बाउंस है तो 1/2 पे 1 पावर है, सेकंड बाउंस के बाद 1/2 पे 2 पावर है, थर्ड बाउंस के बाद 1/2 पे पावर 3 है. तो इसी तरीके से 10th बाउंस के बाद 1/2 पे पावर कितना आएगा, 10 आएगा इनटू 1024. और आपको मालूम है कि अगर हम 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा. तो न्यूमरेटर में 1 इनटू 1024 दैट इज 1024 और डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 10, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे आप तो 1024 आता है. आप चेक कर सकते हैं इसको. तो 1024 1024 कैंसिल हुआ तो ये 1 मीटर हाइट तक आएगा, 1 सेंटीमीटर हाइट तक आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. ओके, तो यू नोट इट, आप इसको नोट कर लें. After this, our second question is, हमारा second question देखिए क्या है. Our second question is, what is the last digit of 7 to the power 73? Last digit means unit place. Unit place, अगर 7 को 73 times multiply किया जाए, तो unit place पर कौन सा number आएगा? ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. ये कभी कभी सेक्शन बी में भी, CSIR-NET के सेक्शन बी पार्ट जो है, जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना. तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए हम देखते हैं. तो किसी भी नंबर का अगर यूनिट प्लेस हमको निकालना है ना, तो उसके हमको यूनिट, जो यूनिट प्लेस पर नंबर आते हैं ना, उसको ध्यान में रखना चाहिए. जैसे देखिए 7 को अगर 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 7 आएगा, 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 7 * 7 दैट इज इक्वल टू 49, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो 7 से मल्टीप्लाई करना है और हम यूनिट प्लेस देखना चाहते हैं, तो 7 * 9 दैट इज इक्वल टू 63.
तो यूनिट प्लेस पे क्या आया 3, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आया 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या आया 7। अब 7 टू द पावर 4 की यूनिट प्लेस हम देखना चाहते हैं, तो 7 क्यूब का यूनिट प्लेस क्या आता 3, यहाँ पे 1 और 7 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हमें 3 और 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 कितना है 21, इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया 1। अब अगर आगे हम देखना चाहते हैं 7 टू द पावर 5 तो क्या करना है, जो भी इसका यूनिट प्लेस आया है उसमें फिर से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 * 7 कितना आ गया 7। इसी तरीके से अगर हम 7 6 निकालना चाहें 7 टू द पावर 6, जो भी नंबर आया है उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 49, तो इसका यूनिट प्लेस कितना आ गया 9। अगर हम 7 टू द पावर 7 निकालना चाहें तो ये 9 आया हुआ है, इसमें फिर से 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 63, इस यूनिट प्लेस पे कितना आ गया 3। इसी तरीके से अगर हम 7 टू द पावर 8 निकालना चाहें तो इसमें 3 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, आता है 21, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना नंबर आता है 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 7 9 3 1 7 9 3 1, चार चार की साइकिल चलती है, जब 7 के पावर सम करते जाते हैं ना 4 4 की साइकिल चलती है, कौन कौन से नंबर यूनिट प्लेस आ सकते हैं 7 9 3 1 7 9 3 1। तो अब हमें इसके पावर्स को देखना है, 73 का पावर है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड कर दें 4 1 4 3 33 32, रिमाइंडर कितना आया 1, मतलब 7 टू द पावर, देखो तो क्विक आंसर बता सकते हो 1 पावर को, मतलब आंसर कितना आ गया 7, यूनिट प्लेस तो 7 आने वाला है। ले मैं थोड़ा और एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, तो 7 टू द पावर 73 को देखिए हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 4 होल टू द पावर 18, कितना हो गया 72 इंटू वॉट 7, ठीक 7 टू पावर 1, तो 72 और 1 कितना होगा 73। अब देखा 7 टू द पावर 4 पे क्या आता है 1, तो 1 टू द पावर 18 इंटू वॉट 7, और 1 को चाहे जितने टाइम से मल्टीप्लाई करें 1 ही आता है, तो 1 ने 7 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 7, ठीक है। तो इस तरीके से यूनिट प्लेस हमारा क्या आने वाला है 7 आने वाला है, देयरफॉर आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप इसको नोट कर ले, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज x डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर, ये कोई साइन है डेल्टा, इसको पढ़ते हैं, x डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर, x कंपोजिशन y इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर, फिर से कोई साइन है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है वैसे ही डेल्टा इस्तेमाल किया गया है, और इसको हम कंपोजिशन पढ़ते हैं, x कंपोजिशन y इज इक्वल टू x प्लस y का होल स्क्वायर, x स्टार y इज इक्वल टू x प्लस y होल टू द पावर माइनस 1, x इनटू y इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 197 कंपोजिशन 135 माइनस 197 डेल्टा 315 इंटू 195 स्टार 350। अब देखिए अगर हम इस तरीके से अप्रोच करें इसको कि 197 यहाँ रखें और 135 फिर इसको ऐड करें, इसका होल स्क्वायर करें और फिर इतने सारे ऑपरेशंस को लगाएं, तो ये साल तो हो जाएगा बट इट विल बी टाइम टेकिंग। तो हम क्या करते हैं, देखिए सर दो ही नंबर इस्तेमाल किए गए, एक तो 197 है एक 135 है, 315 को हमने y बोल दिया। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारा, x कंपोजिशन y माइनस x डेल्टा y इंटू x स्टार y, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं, x कंपोजिशन y का मतलब x प्लस y का होल स्क्वायर है, ठीक है, x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस x डेल्टा y इज इक्वल टू x माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक है,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्टार वाई, एक्स स्टार वाई का मतलब हुआ एक्स इंटू वाई का इनवर्स, एक्स इंटू वाई का इनवर्स, ठीक है। तो अगर हम इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा के ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के ओपन करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, क्योंकि साइन माइनस है इसलिए माइनस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी क्या बन जाएगा प्लस टू ए बी प्लस टू एक्स वाई, ये तो ये आया इंटू, अब देखो ये पावर माइनस वन है इसको नीचे ले आया तो क्या बनने वाला है वन बाई एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, टू एक्स वाई और टू एक्स वाई कितना आ गया फोर एक्स वाई और मल्टीप्लाइड बाई वन बाई एक्स वाई, ठीक है। तो ये एक्स वाई से कैंसिल हो गया, फोर इंटू वन इज इक्वल टू फोर, तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन सी एस आई आर नेट जून 2014 में पूछा गया था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर इज दिस, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर्स दिए गए हैं, है ना। मैं एक बार यहां लिख देता हूं सभी नंबर्स को, टू टू द पावर थ्री टू द पावर फोर, टू टू द पावर फोर टू द पावर थ्री, ठीक है, थ्री टू द पावर टू टू द पावर फोर, ठीक है, थ्री टू द पावर फोर इज टू द पावर टू, ठीक है, फोर टू द पावर टू टू द पावर थ्री, ठीक है, फिर फोर टू द पावर थ्री टू द पावर टू। और पूछा गया कि बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज लार्जेस्ट। ये क्वेश्चन सी एस आई आर नेट जून दिसंबर 2012 में पूछा गया है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। अब देखिए इसमें कुछ नंबर्स को अगर हम गौर से देखें तो इसमें दो तरीके के बेस का इस्तेमाल, तीन तरीके के बेस का इस्तेमाल किया गया है, टू थ्री और फोर। पावर्स तो अलग अलग हैं, तो देखिए जब भी नंबर्स को इसमें लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट छांटना हुआ है तो या तो हम बेस को बराबर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, या तो इंडिसेस को हम लोग बराबर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेस जो टू बेस वाला है और ये फोर बेस वाला है, फोर बेस वाले को भी हम लोग टू बेस बना सकते हैं। तो ये नंबर, ये वन टू थ्री फोर नंबर में आसानी से पता कर सकते हैं कौन बड़ा है, और इन दोनों को कौन बड़ा है उसको पता कर ले, उसके बाद उन दोनों को कंपेरिजन कर ले, ठीक है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टू टू द पावर, देखो थ्री टू द पावर फोर कितना हो गया 81, ठीक है, टू टू द पावर फोर क्यूब कितना हो गया 64, ठीक है, ये हो गया, ये कितना लिखा हुआ थ्री के पावर, टू टू द पावर फोर कितना हो गया 16, ठीक है, और थ्री के पावर और ये फोर का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है, ठीक है, थ्री टू द पावर 16। एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन को एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो टू टू थ्री टू द पावर टू टू द पावर फोर और थ्री टू द पावर फोर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो ये बोथ आर तो सेम, टू टू द पावर फोर कितना हो गया 16 और फोर का स्क्वायर कितना हो गया 16, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों नंबर सेम ही है ना, इसको जस्ट ऐसे ही कन्फ्यूज करने के लिए लिखा गया है। और अगले नंबर की बात करें तो देखिए ये कितना, फोर के पावर कितना 8, फोर के पावर 8 जो होता है ना, इसको हम लिख सकते हैं, फोर को लिख सकते हैं टू का स्क्वायर और 8 और 8 टू जा कितना हो गया 16, मतलब टू के पावर कितना हो गया 16। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं टू टू द पावर 16, ठीक है। और जो ये फोर, ये कितना है फोर के पावर कितना 3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 9, और फोर को क्या लिखेंगे टू का स्क्वायर टू द पावर 9, इसका मतलब टू के पावर कितना हो गया 18, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें 2 टू द पावर 18, इसको हमने लिखा 2 टू द पावर 18। इसमें हमें बताना सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो सबसे पहले 2 वाले को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 2 का पावर 81 64, 2 का पावर 16 18, तो ये सब तो छोटे ही हैं, ये भी छोटे हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा है 2 टू द पावर 81, ठीक है। और अब इन दोनों, ये तो दोनों सेम ही है 3 टू द पावर 16, अब हमको इन दोनों कंपेरिजन करना है कि कौन सबसे बड़ा है। अब इसके लिए देखिए हमने क्या किया, अब इसको हम फोर बना लेते हैं, ठीक है। फोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये कितना है टू टू द पावर 81, और इसको अगर हमको लिखना होगा तो 81 हम लोग, और ये हमारा कितना थ्री टू द पावर
16, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 2 के पावर 81 को अगर हम लोग लिखें तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको हम लोग फिर आगे इसको कैसे प्रोसीड करते हैं। तो इसको मैंने 2 टू द पावर 81 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 टू द पावर 80, ठीक है। और ये तो 3 टू द पावर 16 को मैंने रहने दिया। फिर देखिए इसको मैंने क्या लिखा 2 इंटू, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 टू द पावर कितना 40, ठीक है 4 टू द पावर 40। कैसे? देखिए 80 को 2 टू द पावर 80 था, उसको मैंने दिया 2 इंटू 40, 40 टू द कितना हो गया 80, 2 टू द पावर 80, और 2 स्क्वायर 2 का स्क्वायर मीन्स कितना हुआ 4, 4 टू द पावर 40, ठीक है। तो देखिए ये हो गया दिस वन और ये हो गया 3 टू द पावर 16। अब देखिए जो ये नंबर है ना इसमें सिर्फ इसको जरा इसी को देखिए आप ध्यान से, इसका बेस है 4 पावर 40, इसका बेस है 3 और पावर 16, इसका बेस भी ज्यादा है इसका पावर भी ज्यादा है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई भी किया गया है, तो ऑब्वियसली ये नंबर इस नंबर से क्या होगा बड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये फर्स्ट ऑप्शन है ना ये करेक्ट हो जाएगा, मीन्स फर्स्ट नंबर 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4, इस तरीके से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 9 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 14x प्लस 28y प्लस 42z माइनस 147, वेर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर रियल नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज व्हाट? फर्स्ट ऑप्शन इज 7, सेकंड ऑप्शन इज 14, थर्ड ऑप्शन इज 21 एंड फोर्थ ऑप्शन इज नॉट यूनिक। ये क्वेश्चन CSIR-NET दिसंबर 2012 में पूछा गया है। आइए हम देखते हैं सोल्यूशन इसका। अब देखिए एक इक्वेशन दिया गया है और इससे हमको x प्लस 2y प्लस 3z की वैल्यू निकालनी है, तो निश्चित रूप से हम इसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, ये तो सॉल्व होने वाला नहीं, इतने आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें कुछ टेक्निक लगाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या है सोल्यूशन। हम देखिए क्या करते हैं, सभी टर्म्स को इधर लेफ्ट में ले आते हैं और x वाले टर्म को एक साथ लिखते हैं एक्स स्क्वायर, और इसको लिया इधर माइनस 14x, ठीक है, इसको एक ब्रैकेट लिखा प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 28y, इसको एक साथ लिखा, फिर 9z स्क्वायर और माइनस 42z, इसको एक ब्रैकेट में लिखा और माइनस के साथ ये कितना हो गया प्लस 147 इज इक्वल टू व्हाट 0, ठीक है। अब देखिए जब भी ये देखिए x में क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे x का लीनियर टर्म है, और अगर एक फार्मूला अगर आपको याद हो कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो देखिए इसमें तीन टर्म आते हैं, ये x में क्वाड्रेटिक होता है, y में क्वाड्रेटिक होता है, और x y में क्या होता है लीनियर टर्म। देखिए यहाँ पे x का क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक टर्म है, x का लीनियर टर्म है, एक और कांस्टेंट की सिर्फ जरूरत है इसमें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएं। तो देखिए अगर हम इसको पहचान करें तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस ये 2ab वाला टर्म है, तो b की वैल्यू कितनी है 7 है, इसका मतलब इसमें 49 ऐड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 40x, सपोज हमने इसको 49 दे दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कितने का स्क्वायर है, ये है 2y का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये 2 तो निकल गया, अच्छा कितना 14 है ना, ये 2ab जिसमें से a कितना होगा 2y, तो b की वैल्यू कितनी है देखिए 28y, ये 2ab की वैल्यू है, इसकी वैल्यू 2ab, ठीक है, जिसमें से a पता हो गया कितना 2y, तो इसको हम लिख सकते हैं 28y को 2y इंटू व्हाट 14, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसको फर्स्ट टर्म हमारा 2y सॉरी 2 इंटू a, ये कितना हमारा फर्स्ट टर्म कितना 2y, कितना हो गया 4y इंटू कितना 7, ठीक है। देखिए ये 2 हो गया, a की वैल्यू कितनी थी 2y और b की वैल्यू कितनी 7, इसका मतलब 49 ऐड करना है, ये हो गया 28y और सपोज हमने 49 इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, आगे अगर हम बात करें तो ये है कितने का 3z का स्क्वायर है ना, 3z का स्क्वायर और 2ab की वैल्यू कितनी है 42 है ना, 2 a कितना हो गया 3z कितना हो गया 6, बचा कितना 7 है ना, इसका मतलब इसमें भी हमें 42z है ना, और इसमें भी हमें कितना 49 ऐड करना है, ठीक है।
ऐड कर दिया हमने। अब देखिए जरा ध्यान से कि क्या सभी चीजें बैलेंस हो चुकी हैं। 49, 49 और 49 कितना हो गया, 3 टाइम्स 49, 3 टाइम्स 49 का मतलब 147। यस, 147 को हमने 3 पार्ट से बांट दिया, 49, 49 और 49 इज इक्वल टू व्हाट, 0। बाकी सभी चीजें तो हमने वही लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x वही है, 4y² 28y वही है, 9y² 9z² माइनस 42z वही है, सिर्फ 147 को 3 पार्ट में बांट दिया, 49, 49 और 49, ये देखते हुए ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए किसका स्क्वायर बना है, ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर बना है, ठीक है, और ये कितने का, 2y माइनस 7 का होल स्क्वायर बना है, और ये कितने का होल स्क्वायर बना है, 3z माइनस 7 का होल स्क्वायर बना है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए 3 पर स्क्वायर नंबर से निगेटिव तो होते नहीं, इनका सम 0 होना है, ये तभी हो सकता है जब ये अलग अलग 0 हो। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3z इज इक्वल टू व्हाट, 7। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए x प्लस 2y प्लस 3z, तो अगर हम इसको ऐड करें x प्लस 2y प्लस 3z तो हमारा कितना मिलने वाला है, 7 प्लस 7 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 21। तो इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में हम फिर से मिलेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उससे कोई पेमेंट नहीं लगता है, आपके वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लासेस में फिर से मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।